अचानक तुरंत एकदम से क्लास कोच बॉस बहुत तेज बोल रहा था। जंगल के सभी जानवर पानी के बिना परेशान थे। वो कैसे परेशान थे वो अपन इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा और किसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इस कहानी में किस कारण से वो जंगल के जानवर पानी के बिना भेदभाव थे। सबसे पहले खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। यह बहुत फुर्तीला होता है, इसी वजह खाना अच्छा लगता है। दूर एक घना जंगल था। काफी समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों तक जंगल में बारिश नहीं होने के कारण जंगल के सभी जानवर पानी के बिना परेशान थे। सभी पशु पक्षी पानी के बिना परेशान थे और इधर उधर भटक रहे थे। जैसे तैसे कहीं पानी मिलता उसी से काम चलाते। बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। जंगल के जानवरों को जहाँ कहीं पानी मिलता वहीं से वो अपना काम चलाते थे, इधर उधर भटकते रहते थे, क्योंकि बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं देती थी। पानी के बिना कोई जीवित भी नहीं रह सकता है, जानवर हो चाहे पशु पक्षी हो। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। जिस जंगल में अन्य जानवर रहते थे उसी जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका नाम था डप्पू खरगोश। वह बहुत ही डरपोक था, इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसे डप्पू कहकर बुलाते थे। खरगोश डरपोक होने के कारण उसका नाम डप्पू खरगोश रखा गया है। डर के कारण वह अपने घर से कम ही बाहर निकलता था। वह डरता था, इसीलिए वह अपने घर से बहुत कम बाहर जाता था। जब उसे जरूरत पड़ती चुपके छुपाके अपना काम कर वापस आ जाता। किसी काम की उसको जरूरत पड़ती घूमना फिर जाए तो वह चुप चुप के घूमता और फिरता और वापस आ जाता। पानी की तलाश में डप्पू एक दिन अपने घर से बाहर निकला। डप्पू भी पानी की तलाश में अपने घर से बाहर निकला। पानी ढूंढते ढूंढते वह काफी दूर निकल गया। अचानक उसकी नजर आसमान की ओर पड़ी। डप्पू ने आसमान की ओर देखकर बोला, आसमान इतना काला क्यों है। वह आसमान की ओर देख ही रहा था कि अचानक उसे आसमान में तेज आवाज के साथ एक रोशनी दिखाई दी। डप्पू ने जब आसमान की ओर देखा तो उसको तेज आवाज में एक रोशनी दिखाई दी। अब तो डप्पू दम दबाकर वहां खड़ा हुआ। डप्पू ने तो आग देखना ना था, उसने तो बिना सोचे समझे ही वहीं से दौड़ लगाकर अपने घर की ओर भागकर आ गया। घर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसको जब उसने आसमान की तरफ देखा और जब उसकी हालत खराब हुई तो उसने सोचा अब क्या किया जाएगा। डर के कारण वह इधर उधर भागने लगा। वह डरते डरते इधर उधर दौड़ रहा था। जंगल में इधर उधर भागते भागते उसे बंदर मिला। जब डप्पू दौड़ रहा था तो उसे जंगल में एक बंदर मिल गया। बंदर ने पूछा, अरे डप्पू क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो। डप्पू खरगोश बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डप्पू भागा चला जा रहा था। बंदर भी उसके पीछे हो गया। आगे उसे लोमड़ी सिंहानी मिली। जब बंदर को डप्पू खरगोश दोनों साथ साथ घूमते हुए जा रहे थे तो उनको सियानी लोमड़ी भी मिल गई। सियानी ने हैरानी से पूछा, लोमड़ी ने डप्पू से हैरानी से पूछा कि क्या डप्पू कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। डप्पू बोला, आसमान गिरने वाला है, जल्दी भागो, सियानी भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। अब डप्पू के
उसके पीछे कई अन्य जानवर भी आगे चले आ रहे हैं। सुयम को कुछ नहीं, सुयम को कुछ समझ नहीं आया। पास आने पर सुयम ने हाथी से पूछा, गजराज क्या बात है, आप सभी कहाँ भागे जा रहे हो? दर्पू ने मन ही मन में सोचा, इससे तो अच्छा था ये घर में ही रहता, लेकिन पानी की प्यास लगी तो इसके कारण उसको घर से बाहर निकलना पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सभी चुप थे। सिंह ने फिर पूछा, सियाने को बताओ क्या हुआ? सियाने कुछ नहीं बोली। आज सिंह गुस्से से गरजा, अरे कोई तो बताओ क्या हुआ, कहीं कोई आसमान गिर पड़ा या तूफान आ गया? दबू डरते डरते बोला, हाँ हाँ वही। सिंह ने पूछा, क्या वही? दबू ने बोला, दबू खरगोश बोला, वो आसमान भी तो गिरने वाला है, देखो आसमान कैसे काला हो गया है, और आसमान के टूटने से रोशनी चमक रही है। जब बारिश आती है तो बिजली तो चमकती है, लेकिन दबू उसकी चमक से परेशान हो गया और डर भी गया। ये सुनकर सभी जानवर खूब रोश की हंसने लगे कि आसमान कभी टूटना नहीं है, आप इतने बोले जानवर हो। दबू ने डरते डरते पूछा, आप सभी हंस क्यों रहे हो? दबू खरगोश ने सबसे पूछा कि आप सब क्यों हंस रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, सीए हंसते बोला, दबू ये बारिश होने के संकेत है, आप इस बात से क्यों डर रहे हो? आसमान में काले बादल छाए हैं और बिजली कड़क रही है, सभी जानवरों के चेहरे पर चमक आ गई। सीए बोला, दबू सभी जंगलवासी पानी के बिना परेशान थे, हमें बारिश का कब से इंतजार था, तुम बारिश का स्वागत कैसे करोगे हमें नहीं पता था। तभी जोरदार बारिश होने लगी, सभी जानवर मस्त होकर नाचने लगे, क्योंकि दबू खरगोश को नहीं मालूम था कि आसमान काला हो गया है जब बिजली चमकती है और ये बारिश के संकेत होते हैं। तो सभी जानवरों ने मिलकर उसको हिम्मत बताई और बोला कि दबू आप न मत डरो, थोड़ी दस में रहो, ये बारिश होने के संकेत है ना कि ये आपको कोई डर नहीं है, आसमान कभी गिरता नहीं है, आसमान गिरने से तो सारा पानी खराब हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा तो फिर बारिश कहाँ से होगी, इसलिए आसमान को गिरेगा नहीं और बारिश हो जाएगी, अगर बारिश होने से हम पानी पीएंगे और अपने घर से बुझा लेंगे और अच्छे से रह पाएंगे। इस बारे से ये शिक्षा मिलती है कि अपन को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए